घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज भटियार मारवा थाट में है, उसके बारे में हम लोग पहले बातचीत कर लेते हैं। तो भटियार राग अगर हम लोग बात करते हैं तो वो सुबह का एकदम प्रातःकालीन राग है। तो भटियार जो उसमें सारे ये कुछ राग हैं ऐसे मारवा थाट में होते हुए भी मॉर्निंग का राग है ये। और इसको हम बोल सकते हैं प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग, संधि प्रकाश। तो एकदम इसको गाने से कंसेप्ट ये है कि ऐसे राग बनाए गए हैं, कितने साल पहले बनाए गए होंगे कि आप गाते हो या सुनते हो तो यू फील दैट, आप उस फील में चले जाते हो कि सुबह का राग है। ऐसा भी होता है बहुत समय आप शाम में बैठे हुए हो, अगर आप भटियार शाम को बैठ के सुन रहे हो, अगर आपके अंदर वो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं, तो आप ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं, ऐसे कॉन्सर्ट्स हुए हैं बेसिकली। तो गुरुजी का एक कॉन्सर्ट हुआ था जो कि रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था और शाम के समय प्रोग्राम था और वहाँ पे ऑडियंस भी वैसी होती है, एकदम डिसिप्लिन्ड और सुनना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए इंडियन म्यूज़िक बहुत मायने रखता है। हम कहीं ना कहीं यहाँ पे खोते चले जा रहे हैं, वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, उल्टा हो रहा है सब कुछ। तो उनसे बोला गया कि आप भैरव सुनाइए कुछ। तो उन्हें बोला शाम का समय है, उसका एक समय होता है, हर एक राग का एक टाइम स्केच बनाया गया है और वो हमारी बॉडी के साथ साइंटिफिकली उसको रखा गया है। 24 आवर्स अगर है, 10 थाट है, उनका चक्र उस हिसाब से बनाया गया है, रागों का समय उस हिसाब से बनाया गया है जो हमारी बॉडी को भी उस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, हमारे माइंड सेटअप को भी करते हैं। शाम के समय पे हमारा मन चंचल होता है, शाम के समय पे चंचल राग होते हैं, सुबह के समय आपका गंभीर प्रकृति का होता है। तो गंभीर में सुबह आप भैरव सुनते हो, ये सब सुनते हो। तो उनको जब बोला गया तो उन्होंने ऐसा गाया, वो तो ही इज अ लेजेंड, तो उनके बारे में क्या कहें। तो उन्होंने वो माहौल बना दिया है। तो देखते हैं भटियार शुरू करते हैं। और भटियार अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोगों ने हमने क्या मतलब इसको मारवा थाट में रखा गया है शास्त्र के अनुसार, और इसको लेके कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही होंगी और लोग लिखते भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई बिलावल थाट से हिसाब से मानता है, मतभेद है अपने अपने हिसाब से हैं। तो हम मारवा थाट के हिसाब से लेंगे। मारवा थाट के हिसाब में इसका मतलब इसमें मध्यम तीव्र आना चाहिए और इसमें इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, मध्यम शुद्ध और मध्यम तीव्र। और इसकी जो जाति है वो है वक्र संपूर्ण, ठीक है, मतलब सीधा नहीं जाता है, घूम के ट्विस्टिंग होता हुआ जाता है इसका। समा पा द नि रे नि द प म प ग रे सा, ये आया तुम्हारा। अब म द सा, ये एक अंग आया। तो बहुत सारे हैं, अब कभी भी सारे करके नहीं आते हैं, भटियार नहीं जाता है, भटियार में सा था एक मीड है, सा था प द नि प ध म प ग र सा, और सा मा मा प ग ब द प ग र नि ध र नि ध सा, ये है। जब आप षडज की तरफ जा रहे हो जैसे म ध सा, यहाँ पे मध्यम तीव्र लग रहा है, मध्यम धैवत और षडज वो तार के सप्तक की तरफ जब आप जा रहे हैं, इवन अब अगर आप नीचे के मंत्र सप्तक में भी अगर गए सा नि रे नि धा पा
आएगा माधा सा सारी इसकी कुछ स्वर संगतियां हैं। अब सामान ये इस तरीके से आप गा सकते हैं, शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं भटियार की, और सा इस तरीके की स्वर संगतियां भी आ सकती हैं। अब इसमें जब हम बात करते हैं कि वादी स्वर क्या है, तो मध्यम है और संवाद कर रहा है उसके साथ षड्ज। बेसिकली हम लोग जब वादी संवादी के बारे में बात करते हैं तो सा प सा मा ग नी रे धा रे प ये स्वर संगतियों में आपका वादी संवादी बनता है, संवाद बनता है। तो सा इसका एक बार हम लोग आरोह देख लेते हैं। सा आप गा सकते हैं, ठीक है। अब तीव्र मध्यम सिर्फ आप जब आप तार्क सप्तक के उसमें जा रहे हैं तो उस हिसाब से है। एक बार इसका हम चलन थोड़ा सा देख सकते हैं। Oh,
Yeah.
सधा, अभी तक हम लोग मध्यम सामा करके सधा जाने वाले हैं।
साल में है, बहुत ही फेमस कंपोजिशन भी है, बिकॉज सुर संगम बोल के एक सिनेमा तुम ही बोल रहे थे, उसमें भी ये है और गुरुजी का ही गाया हुआ है, उन्हीं का गाया। बहुत सारे कॉम्पोजिशन है, साधो ऐसा ही गुरु भावे भी शायद से नहीं, और भी बहुत सारे कॉम्पोजिशन है, वो है। तो ये कॉम्पोजिशन जो है ये हमारे बड़े दादा गुरु जी पंडित रामदास जी की है। तो कॉम्पोजिशन जो है इस तरीके से है, आयो प्रभात सब मिल गावो, बजावो नाचो हरि को रिझावो, और अंतरा जो है, पंछी पखेरुआ करत हिलोरे, डरियन 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 पर रामदास निरखन बगिया, सब मिल गावो हरि गुण गावो। इसका जो कॉम्पोजिशन है ना, इसमें बेटा जब गाऊंगी तो तुमको समझ में आएगा, डरियन 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 जो लयकारी है वो प्लीज एक बार इसमें देखना हा? और करते एक बार इसको, बोला इन्होंने।
करो।